संघर्ष कर रहा था लेक्चर चलाने के लिए, कई बार फेल हुआ लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ, फिर खड़ा हुआ, बहुत मुश्किल से आज लेक्चर चल पाया लेकिन चला। मुश्किलें आती हैं लाइफ में, अब उससे घबरा जाओगे, छोड़ दोगे तो छूट जाएगा फिर, और कोशिश करके लड़ोगे तो कुछ हासिल होगा, कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन शायद 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया हमने, बहुत सारा इंटरेस्टिंग कहानी सुना, रिलेशन समझा, कंसेप्ट समझा और बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया, कुछ तो मिला ना। बहुत प्रॉब्लम हुआ, नहीं हो पा रहा था लेकिन कोशिश करके कुछ तो मिला ना। तो सुन, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना गधा है, कितना दिमाग से पैदल है, कितना चुनू है। तू गांव से है, तू हिंदी मीडियम से है, तेरे लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, सोसाइटी का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, पिताजी की समस्या है, हिंदी की समस्या है, लैंग्वेज समझ नहीं आता है, तू मंद बुद्धि है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी भूल जाता है। लेकिन छोड़ देगा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, शून्य बटा सन्नाटा। लेकिन कोशिश करेगा कुछ तो हाथ आएगा, कुछ तो मिलेगा ना, अच्छा ही मिलेगा, कोशिश करेगा तभी मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। देखो, बच्चा सोचता है कि नहीं हो पा रहा मेरे से, तो दो ऑप्शन है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो बार बार सोचने से शायद उसे नहीं भी होता है, छोड़ देता है, गिवअप कर देता है, तो जो थोड़ा मिल सकता है वो भी नहीं मिलता है। लेकिन कोशिश करके थोड़ा एफर्ट मारोगे तो कहते हैं ना, भागते भूत का लंगोटी काफी है। तो कोशिश करोगे तो कुछ तो मिलेगा। बस ये इस इंसिडेंट से मुझे भी इस चीज़ को मतलब समझने का या रियलाइज़ या सीखने का मौका मिला। मैं भी इस चीज़ से समझा, मैं छोड़ चुका था, 1.5 घंटे 1.25 घंटे हो गए थे कोशिश करते करते, 6:15 से 7:30 तक, 1.25 घंटे हो गए थे, मैं छोड़ चुका था लेकिन फिर भी कोशिश करके हो गया, ठीक है ना। तो मुझे भी लगा यार, कोशिश करते रहने से चीज़ें खत्म ही हो जाती हैं, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है लेकिन लास्ट में हो जाती है।